Viraj Verma. And joining us on stage in conversation with ex-cabinet minister Haryana, Shri Rao Narbir Singh ji. Zordar taaliyon se swagat karenge. बहुत बहुत स्वागत है राव नरवीर सिंह जी. शुक्रिया. और हरियाणा ग्रोथ समिट का सीजन 2 लेकर आया है रिपोर्टर जी. आप पिछले सेशन में भी हम लोग यहीं पर बैठे थे और चर्चा की थी हरियाणा की ग्रोथ और हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाएं. और अब तो खैर हरियाणा में चुनावी माहौल है, चुनाव अनाउंस हो गए हैं. किस तरह से देख रहे हैं अभी पूरे जो 10 साल का कार्यकाल रहा है हरियाणा में बीजेपी का, उस पूरे के पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं और आज कहाँ खड़ा देख रहे हैं? गुड़गांव एक बढ़ता हुआ शहर है और जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसमें समस्याएं भी पैदा होती हैं और समस्याओं का समय अनुसार उनका निदान ना किया जाए तो समस्या भयंकर रूप लेती है. शरीर में भी कोई बीमारी हो जाए और उसका आप समय अनुसार उसकी दवाई ना लो, आप उसका इलाज ना करो तो समस्या भी विकराल रूप ले लेती है बीमारी भी. तो इसी तरह गुड़गांव पहले छोटा गुड़गांव था, आज 30 लाख की आबादी होगी. लेकिन पिछले 5-10 सालों में हमने कोशिश करी गुड़गांव को सुधारने की. उतना तो नहीं सुधार पाए जितने लोग उम्मीद करते, लेकिन फिर भी हमने बहुत काम किए और उम्मीद करते हैं वो आगे काम करेंगे. क्योंकि गुड़गांव में अभी बहुत समस्या है. मैं यूँ कहूँगी सब कुछ हो गया. गुड़गांव आर्किटेक्चर, गुड़गांव में रोड जाम, गुड़गांव में पानी भरना, ड्रिंकिंग वाटर गर्मियों में दिक्कत आती है और अंडरपास फ्लाईओवर की गुड़गांव में बहुत आवश्यकता है. समय अनुसार इनका निदान करेंगे. लेकिन कहाँ लग रहा है कि ये जो कमियाँ कहाँ रहेगी, कि बहुत महीन सी चीज़ें हैं ये कि आप सड़कें बेहतर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, साफ सफाई रहे, रोजगार डेवलपमेंट. वो चलिए हम बात कर रहे हैं सिंगापुर, ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम सिंगापुर या हांगकांग या बड़े शहर से कमतर है, लेकिन जब धरती धरातल पर आते हैं इस शहर के, वहाँ पर फिर ऐसे लगने लगता है कि नहीं नहीं ये तो सिंगापुर हांगकांग नहीं है, ये तो हम कहीं और ही आगे. गाँव से भी बुरी हालत है. नहीं, आदमी जो बनता है, सरकार बनती है, मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, तो जो चीफ मिनिस्टर बनता है उसको बहुत काम होते हैं. उसको अकेला गुड़गांव नहीं देखना, पूरा हरियाणा राजनीतिक और सामाजिक काम भी देखने पड़ते हैं, प्रशासनिक काम भी देखने पड़ते हैं. उसको उतनी फुर्सत नहीं होती जितनी कि लोग उम्मीद करते हैं. तो जो नुमाइंदे होते हैं वो अपनी तरफ से मांग उठाते हैं. सीएम पे कितना बात को पहुँचा सकते हैं, कितना मनवा सकते हैं, वो उसकी काबिलियत के ऊपर है. मैं ये कह सकता हूँ मुझे 5 साल का मौका है 2014 से 2019, और जो कुछ मैं गुड़गांव के लिए कर पाया वो मैंने किया. और आम जनता भी ये कहती है कि उन 5 सालों में गुड़गांव का खूब विकास हुआ. जितने भी नए हाईवेज बने ये हमारे टाइम में बने, जितने अंडरपास बने हमारे टाइम में बड़े, यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बना, शीतला माता का खर हमने उसका शिलान्यास किया लेकिन अभी काम उसका चल रहा है. ऐसे बहुत से डेवलपमेंट के काम हैं जो करे, कॉलेज बनाए कई. हरियाणा का मैं कहूँ इकोनॉमिक कैपिटल है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुड़गांव जिला देता है. तो हम ये उम्मीद भी करते हैं कि कोई सरकार बनो वो गुड़गांव में रेवेन्यू ज़्यादा खर्च करे, गुड़गांव का विकास हो. और आज गुड़गांव में जब हम छोटे थे तो 30,000 की आबादी थी, आज 30 लाख की आबादी है. समस्याएं बढ़ रही हैं और आज गुड़गांव केवल गुड़गांव नहीं, इसमें दुनिया के लोग रहते हैं. 400 MNC के हेड ऑफिस है यहाँ. तो समस्याएं तो बढ़ेंगी और समस्या का समय अनुसार निदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. रेवेन्यू का जिक्र किया है, हमारे साथ प्रताप सर हैं, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर. और भी पीछे भी हम कई बार चर्चा किए कि 42,000 करोड़ सर रेवेन्यू जो है इस बार आया है गुरुग्राम से, और अगला टारगेट है 50,000 करोड़ का. तो एक बड़ी फिगर है सर, और जब इतना बड़ा रेवेन्यू अगर शहर दे रहा है, ऐसे में क्या मान रहे हैं अभी कौन कौन सी ऐसी जगह अभी काम करने की ज़रूरत है गुरुग्राम शहर के लिए खासतौर से? आपने जैसे जिक्र किया एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया, तो गुरुग्राम से सोहना ऐसा हो गया कि अब सोहना हिस्सा है गुरुग्राम का, लेकिन अब एकदम नज़दीक या बहुत. वो किसी ने मांग नहीं की थी. मेरा बादशाहपुर विधानसभा है तो मैंने ही गडकरी जी से कह के इसका शिलान्यास किया. तो कोई इलाके की मांग थी, लेकिन हम बादशाहपुर भी यदि अपने घर से जाता था तो आधा पौना घंटा लगता था. तो मैंने एलिवेटेड बनवाया. द्वारका एक्सप्रेस वे की कोई ऐसी नहीं थी, वो हुड्डा का रोड था, बादशाहपुर विधानसभा में था, आगे दिल्ली पड़ता था. मैंने गडकरी जी से रिक्वेस्ट करके और इसको बनवाया. और आपको यकीन नहीं होगा, जब गडकरी जी से मैंने हाँ भरवाई तो 400-500 करोड़ रुपए कह के हाँ भरवाई. वो आपका एक वायरल भी हुआ था कि बैंक आकर कुछ. हाँ, बस ऐसे ही मैंने बाद में उन्होंने उस मीटिंग में उसको ओके कर दिया. और वो एजेंडा आइटम में भी नहीं था, मुझे आज भी याद है. मेहर मनोहरलाल जी साथ गए और मैंने कहा मेरी विधानसभा आ गए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ गवर्नमेंट है, तो नेशनल हाईवे आप डिक्लेयर कर दोगे तो एक गुड़गांव की कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी. पहले 2 कनेक्टिविटी थी, MG रोड और दिल्ली NH 48,
फिर तीसरी कनेक्टिविटी दिल्ली को हो जाएगी, तो जब उन्होंने हाँ भर ली और उसका सर्वे हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बुलाया कि नितिन भाई यदि एक ही सड़क पर आप 10,000 करोड़ रुपये खर्च करोगे तो देश कैसे चलेगा। लेकिन उन्होंने हाँ भर ली तो इसलिए 96 करोड़ उस पर खर्च हो रहे। गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर बदल दी है, अभी भी गुड़गांव में बहुत काम है। हमारा दुनिया में किसी शहर में आप जाओ तो लोग जल्दी चलने के लिए हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गुड़गांव ऐसे थी हाईवे पर आ जाए तो हाईवे ज़्यादा जाम रहता है। कई बार हमें एम्बियंस मॉल से अपने घर पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता है, बरसात हो जाती है तो एक दिन तो मैं 3 घंटे में पहुंचा। इसी को यदि एयरपोर्ट जाना हो तो कई बार फ्लाइट छूट जाती है। जब तक बस एलिवेटेड द्वारा से दौड़ा कुआं से मानेसर तक नहीं बनेगा ट्रैफिक का कोई समाधान नहीं होगा। हमारा NH 48 से और वाटिका चौक तक भी GMD ने 700 करोड़ रुपये का बजट पास किया, उसको एलिवेटेड बनाए। एक्सटेंशन रोड को भी 4 अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए तो गुड़गांव का समाधान होगा, और अंदर जितने चौक हैं उस पर भी अंडरपास तकरीबन मैंने जो आइडेंटिफाई अपनी तरफ से की वो 18 हैं जो गुड़गांव में बनने चाहिए, और उम्मीद करते हैं अगली सरकार भी ये बनेगी। लेकिन कुछ बड़ी तकलीफ भी है शहर के साथ, अपना हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, जो है वो क्या किस हालत में हम जानते ही हैं, और भी बहुत सारी वाटर लॉगिंग की समस्या से आज तक हम जूझ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि आज हम 2024 में बैठे हुए हैं लेकिन वो उस प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहे हैं, और जाम की तकलीफ भी रहती है। आपके विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर लें तो अर्बन और रूरल दोनों तरह का, तो दोनों तरह की वहाँ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी है। लेकिन अगर अर्बन की बात करें तो वहाँ अभी भी जो सेक्टर्स एरिया वहाँ की सड़कों का इश्यूज़ है, बिल्डर्स के साथ बड़े इश्यूज़ हैं। नहीं, बहुत से ऐसे सेक्टर नहीं, बहुत से ऐसी कॉलोनियाँ थी जो हुड्डा ने या बिल्डर ने टेक ओवर कमेटी को नहीं करवाई, इसलिए उनमें काम देरी से शुरू हुआ। अब RW को पोजीशन दे दी गई, बहुत सी कॉलोनियों में बहुत सी सोसाइटियों में सड़कें सीवर पानी का इंतजाम हो रहा है बाहर का, और हुआ भी है। और जहां तक हॉस्पिटल का आपने बात की, मैं एक हॉस्पिटल नहीं, गुड़गांव में आबादी इस हिसाब से होगी कि कम से कम 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए। गुड़गांव में 4 सब्जियां मंडियां बननी चाहिए चारों कोणों पर, तब जाके गुड़गांव का कुछ थोड़ा सा सुधार होगा। गुड़गांव में हॉस्पिटल मेडिकल और एजुकेशन का हब है गुड़गांव, लेकिन प्राइवेट तौर पे आम आदमी गरीब आदमी ना बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा सकता है ना बुजुर्गों का अच्छी दवा का इंतजाम कर सकता है, तो गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल कम से कम चाहिए। मैं मेरी ऐसी सोच है अगली आने वाली सरकार में ये करके दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियां आप भी कर रहे हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। इससे पहले 2014 में जब आप विधायक बने फिर मंत्री बने, बहुत सारे काम जो थे वो आपने किए, लेकिन 2019 का वो एक दौर रहा जो भी वजह रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपकी लिस्ट में काम रहे होंगे जो आपको उम्मीद थी कि 2019 में जब वापस लौटेंगे तो उन कामों को पूरा करेंगे, तो वो जो लिस्ट है अब 2024 में जब आप अब खड़े हुए हैं तो वो पूरा होते हुए नज़र आ रही है कि हाँ वो काम ये है, और कौन से वो महत्वपूर्ण काम? मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल, 4 सब्जी मंडी, फ्लाईओवर, अंडरपास गुड़गांव का ठीक होना चाहिए। और एक मैं आपके इस रिपोर्टर जी के माध्यम से लोगों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि सब कुछ सरकार नहीं करती, कुछ काम ऐसे हैं गुड़गांव में जो जनता को ही करने पड़ेंगे। गुड़गांव NCR का एक अहम जिला है, मेन जिला है, और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड गुड़गांव जिला है। यदि हम लोग नहीं सुधरेंगे तो पोल्यूशन हो रहा होता है। तो आम आदमी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो ये पॉलीथीन का इस्तेमाल, एक शादी में जो एक कार्ड छपवाते हैं, कार्ड छपवाने का मतलब है कि आप अब तो कार्ड नहीं छपवाते, एक पूरी संदूक अटैची लेकर आते, हमें भी शर्म आती कि इतना बड़ा बड़ा लेकर आते, कितने पेड़ों काटते होंगे जब वो कागज़ से वो कार्ड बनता होगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों से, और मैंने 2 शादियाँ करी है, अपनी बेटी की भी करी, अपने बेटे की भी करी, मैंने एक भी कार्ड नहीं छपवाया। हजारों आदमी आए, सिर्फ व्हाट्सएप से मैसेज दिया लोग आए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी, जमाना बदल रहा है तो सबके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन सबके पास है, आप जब कार्ड दे के आते हैं, आप मेरे बुलाए पाए, मैं आपको बुलाए, तो क्यों ना व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके, हम अच्छे व्हाट्सएप आते हैं आजकल तो, और उसको बनाए और शादी का कार्ड दे, तो ये खर्चा बच जाएगा, आने जाने का जो शादी का खर्चा वो बचेगा, और पर्यावरण ठीक होगा गुड़गांव का। ये एक मेन कारण है इस गुड़गांव में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड यदि कोई शहर है NCR में तो मैं गुड़गांव को मानता हूँ। और ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ठीक रहेंगे, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार्ड कम बांटेंगे, और बहुत सी दिक्कतें ऐसे जो हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा
लगातार आप एक मुद्दे को भी उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर भी बात कर लेते हो, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ जो है किसी भी समस्या की वो भ्रष्टाचार है। अगर वो खत्म हो जाए, वहाँ से अगर फोकस हट जाए कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो विकास अपने आप तेजी से बढ़ेगा। मैं कह नहीं सकता, मैंने भी बहुत कोशिश करी कि भ्रष्टाचार खत्म हो। जब मैं MLA मंत्री था तो भी भ्रष्टाचार था, लेकिन कम था, एक सीमा थी। मैं ये कह सकता हूँ, डरो, मैंने अपने घर पे बोर्ड लगा रखा था, कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगे तो उसको देख के काम क्या हो जाए। 5 साल में मेरे पे आया नहीं, इसलिए नहीं आया, मैं सही कहता हूँ, आम जनता चाहे नाराज होगी कि उस यदि वो 50,000 रुपये रिश्वत दे कर आ रहा तो वो फायदा 5 लाख का उठा रहा अफसर से, इसलिए रिश्वत दे के आते हैं। गुड़गांव में कोई इंतजार नहीं करता, तहसील में गया कोई उसका ग्राहक आया, उसके पास टाइम नहीं है रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो फटाफट जल्दी टोकन कटवाने के बाद आजकल पैसे देते हैं, फिर तहसीलदार भी पैसे मांगता है। ऐसे ही और अधिकार जितने भी कार्यालय सब में ऐसे ही चलता है। थोड़ी सी तसल्ली भी होनी चाहिए और थोड़ा हिम्मत भी होनी चाहिए, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे टाइम में लोगों में ये हिम्मत थी कि हमारा राज है, वो आज गुड़गांव में मुझे दिखाई कम देता है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह की चुनाव की तैयारियाँ चल रही है? सभी पार्टियाँ चुनाव की तैयारी कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ और लोग भी कर रहे हैं। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, 2014 की स्थिति अलग थी, 2019 में अलग स्थिति बनी, और 2024 आते आते बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी टेंशन्स तो हैं। मतलब अगर जिस तरह से बीजेपी लगातार बात कर रही थी कि नहीं वो एज पर है, लेकिन कांग्रेस ने जो लोकसभा में करके दिखाया, क्या इस बात का कहीं ना कहीं मन में अंदेशा है पार्टी के भीतर भी कि तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद बहुत बड़ी होगी? इतना आसान है नहीं। देखो, तीसरी बार जब सरकार बनती है तो जद्दोजहद होती है, आम मतदाता 10 साल में थोड़ा सा निराश होता है कि सरकार से जो उम्मीद करता है वो सारी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी का आज क्रेज है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, खास तौर से हमारा ये दक्षिण हरियाणा का इलाका तो आज भी भाजपा में है, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में भी सीटें जीती हैं। आप तीनों लगा लो, महेंद्रगढ़ भी लगा लो, गुड़गांव भी लगा लो, फरीदाबाद भी लगा लो, तीनों लोकसभा हम जीते हैं, और आने वाले समय में हमारे इलाके में सारे हरियाणा की बात नहीं करता, हमारे इस दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक रहने वाली है। कितने नंबर की उम्मीद कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा से? नहीं, नंबर तो मैं जनता के हाथ में, क्या हालात होंगे, चुनाव तो रोज बदलते हैं, लेकिन अच्छी स्थिति रहने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राव नरवीर सिंह जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी, बधाई भी, क्योंकि चुनावी दौर है और आप इस चुनावी दौर में जो है जीते, जिम्मेदारी आपके पास आए, और एक बार फिर से उम्मीद करें कि जो विकास के काम जो और कराने थे आपको, जो रह गए थे वो पूरे कराएं, वो पूरे करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार साहब। सर, सबसे पहले तो आप दोनों को इन्वाइट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा आगे आए फॉर अ पिक्चर।